हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 किया था, आज हम 6 कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9 को इक्वल प्रूव करना है किसके, 1/2 कोस इनवर्स 3/5 के। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9। तो फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने लास्ट टाइम भी लगाया था, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x, x की जगह 1/4 प्लस y की जगह 2/9 बाय 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। तो टेंजेंट यहां कर दूं मैं, टेंजेंट इनवर्स एलसीएम कितना आएगा 36, 4 9 जा 9 1 जा 9 4 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 1 माइनस ये 2/36। देखिए अब टेंजेंट इनवर्स 9 + 8 17 बाय 36 डिवाइड बाय 36 एलसीएम लेंगे तो 34/36 36 से 36 कैंसिल, 17 पे 34 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 1/2। हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, अब राइट हैंड साइड को टेंजेंट इनवर्स से डायरेक्ट कोस इनवर्स में कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये वैसे हमें 1/2 भी चाहिए ना इसके साथ, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे। लेट कर लेंगे कोस 1/2 कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो हमें इस थीटा की वैल्यू को टेंजेंट इनवर्स 1/2 के इक्वल लाना है। हमने कंप्लीट राइट हैंड साइड को थीटा मान लिया और हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये आई है तो थीटा को इसके इक्वल लाना है। थीटा इसके इक्वल लाने का मतलब हमें ये, अगर मैं इसको थीटा के इक्वल लाऊंगी तो टेंजेंट थीटा को 1/2 लाना है, इट मीन्स टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए कैसे, 2 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाइए, कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 2 थीटा, यहां से कोस इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो 3/5 इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा है हमारे पास, इससे टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2 थीटा इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए 1 माइनस कोस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्केयर थीटा, इसको 2 कोस स्केयर थीटा, 2 से 2 कैंसल, साइन स्केयर थीटा बाय कोस स्केयर थीटा इज टेंजेंट स्केयर थीटा, स्केयर रूट करेंगे टेंजेंट थीटा, तो मैं टेंजेंट थीटा को इसको इक्वल लिख सकती हूँ। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 डिवाइड बाय 1 प्लस 3/5। अब एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आएगा, 5 में से 3 2/5, इसमें 5 एलसीएम लेंगे, 5 + 3 8/5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसल, 2 से 8 2 4 जा 8, तो ये आ गया 1/4 का स्केयर रूट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। इट इम्प्लाइज जो टेंजेंट थीटा है दैट इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। थीटा हमने किसको माना था, 1/2 कोस इनवर्स 3/5, 1/2 कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो ये हमारी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या थी हमारी राइट हैंड साइड, तो ये इक्वल आ गई, यही हमें प्रूव करना था। देखिए कैसे किया, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में लगाया, सिंपल किया, बट राइट हैंड साइड में कोस इनवर्स है, हमें इसको टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में लेके आना है, तो मैंने कंप्लीट राइट हैंड साइड को थीटा मान लिया, यहां से कोस 2 थीटा की वैल्यू आ गई दैट इज 3/5, उससे टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है, इसमें कोस 2 थीटा की वैल्यू लिखी और क्या किया सिंपलीफाई कर दिया, यहां से टेंजेंट थीटा 1/2 आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 1/2 और थीटा किसको माना था हमने 1/2 कोस इनवर्स 3/5, ये वैल्यू रख दी और ये हमारा प्रूव हो गया इस तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन इनवर्स में है 2 टर्म्स, राइट हैंड साइड में भी, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड की कंप्लीट वैल्यू साइन इनवर्स में लेके आनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, वी नो दैट, देखिए फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स स्केयर रूट 1 माइनस वाई स्केयर प्लस
वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, साइन ऑफ ए प्लस बी से साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी से याद करेंगे हम इसको, क्योंकि अगर मैं इसको साइन ए मान लू तो एज इट इज, इसको साइन बी मानू तो कोस कोस कैसे निकालेंगे, वन माइनस वाई स्क्वायर ऐसे निकालते हैं ना टेंथ क्लास की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 3/5 स्केयर रूट 1 माइनस 8/17 का होल स्केयर प्लस स्केयर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्केयर इंटू 8/17 साइन इनवर्स 3/5 स्केयर रूट 1 माइनस 8 का स्केयर 64 17 का स्केयर 289 प्लस स्केयर रूट 1 माइनस 9/25 8/17 साइन इनवर्स 3/5 289 में से 64 289 एलसीएम आ जाएगा 289 माइनस 64 इसका स्केयर रूट प्लस 25 एलसीएम 25 माइनस 9 इसका स्केयर रूट इंटू 8/17 सिंप्लीफाई करेंगे साइन इनवर्स 3/5 289 में से 64 माइनस करेंगे 9 में से 4 गया 5 8 में से 6 गया 2 225/289 इसका स्केयर रूट प्लस 25 में से 9 गया 16/25 8/17 अब इनका स्केयर रूट बिल्कुल ही आसान है 3/5 225 का स्केयर रूट 15 और 289 का 17 प्लस 4/5 इंटू 8/17 जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए 5 3 15 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। या इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, अगर आप ऐसे ही रखना चाहो तो ऐसे ही रख लीजिए ताकि इजी हो जाए एलसीएम लेना। साइन इनवर्स 15 3 45/85 32/85 यहाँ से आएगा साइन इनवर्स 85 हमारे पास एलसीएम 45 प्लस 32 तो साइन इनवर्स 77/85 यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो बस हमें ये फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में यूज करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स स्केयर रूट 1 माइनस वाई स्केयर प्लस स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई और वैल्यूज पुट कर देंगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जस्ट यही बचेगा साइन इनवर्स 77/85 यही हमारी राइट हैंड साइड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट है, क्या इसमें कोस इनवर्स का फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म्स कोस की है राइट हैंड साइड में भी कोस इनवर्स की है तो हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए दैट इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/30 एंड वी नो दैट क्या जानते हम दैट कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट 1 माइनस वाई स्केयर। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की जगह 4/5 है वाई की जगह 12/13 है लगा दीजिए कोस इनवर्स एक्स की जगह 4/5 इंटू 12/13 माइनस स्केयर रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्केयर स्केयर रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्केयर। तो कोस इनवर्स 12 4 जा 48 13 5 जा 65 वन माइनस 4 का स्केयर 16/25 स्केयर रूट 1 माइनस 144/169 कोस इनवर्स 48/65 माइनस 25 में 16 गए 9/25 का रूट ये बनेगा 169 में से 144 गए 25/169 तो बहुत ही इजी हो गया 48/65 ये बनेगा 3/5 और ये बनेगा 5/13 तो कोस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65 एलसीएम लेंगे कितना आएगा एलसीएम 65 48 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 33 तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो आपको जस्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो क्या था इसमें कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 था, इसमें हमने जस्ट ये फॉर्मूला यूज किया क्या कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट इंटू 1 माइनस वाई स्केयर का स्केयर रूट। तो
x की जगह हमारे पास 4 बाई फाइव, y की जगह 12 बाई थर्टीन एक्स इंटू वाई माइनस के रूट 1 माइनस x का स्केयर 1 माइनस y का स्केयर। 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 12 का स्केयर 144 एंड 13 का स्केयर 169। इनकी मल्टीप्लाई लिख ली, इनको सिंप्लीफाई किया, 25 एलसीएम आएगा, 25 माइनस 69 बाई 25 का स्केयर रूट, 169 में से 144, 25 बाई 169 का स्केयर रूट 3 बाय 5, 5 बाय 13 इनका स्केयर रूट कर दिया तो हमारे पास आ गया। फिर तो इस तरह से 65 नीचे एलसीएम आ जाएगा, 48 में से 15 33, तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरह से आपको ये अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ तक 3 क्वेश्चन आज कर लीजिए। थैंक यू।